हरियाणा के पल्लवगढ़ मेट्रो स्टेशन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भाजपा कार्यकर्ता के ओयो होटल में एक 24 वर्षीय युवती मृत अवस्था में पाई गई है। मौके पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद भेज दिया है। फिलहाल युवती की मौत का असल कारण सामने नहीं आ पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत का असली कारण सामने आएगा। युवती के परिजनों के मुताबिक युवती मानसिक रूप से परेशान थी। वह पहले भी सुसाइड करने का प्रयास कर चुकी थी। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही है। लड़की का नाम कनक है और जिसकी उम्र 24 साल है, बल्लभगढ़ के रहने वाली है और उसके परिवार वालों ने बताया कि वो मानसिक रूप से परेशान थी काफ़ी टाइम से और उसने पहले भी एक बार अटेम्प्ट किया था सुसाइड करने का और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को फॉरेंसिक टीम बुला के ना बताया जा रहा है कि होटल भाजपा कार्यकर्ता बोधराज का है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद ही मौत का असल कारण सामने आएगा।